मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ये मैं पैची से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सुबह सुबह पैची आज बहुत अच्छा मूड में है और ये गाड़ी को थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स, स्पेशली निवेदिता, ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज यू वॉन्टेड टू सी माई कैट्स। तो आज का वीडियो, आज हम लोग का यहाँ नया साल है, रंगाली बिहू, एंड सो मैं कलरफुल प्लान्स एंड पैची के साथ वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये छोटा सा अपडेट होगा आज। मैंने कल शाम को मेरे जो कैलेडियम वगैरह है, कुछ पॉटिंग थोड़ा शाम को किया, आज सुबह सुबह थोड़ा किया, और मैं इसीलिए पॉट को साफ़ नहीं कर पाई क्योंकि मैंने सोचा कि लगाने का सेम डे थोड़ा धुलने से थोड़ा हिल जाता है ना प्लांट, तो इसलिए थोड़ा गंदा है पॉट्स, प्लीज़ एक्सक्यूज़ इट। तो मैंने इक्वली जो मेरा 8 इंच के पॉट है जो जनरली मैं यूज़ करती हूँ, उसी में मैंने कैलेडियम में मैंने कोकोपीट दिया है फ्रेंड्स, 40% कोकोपीट, 40% गोबर खाद एंड 20% काउडांग। ये मैंने कॉम्बिनेशन में चारों कैलेडियम लगाया है, तो चारों के एक बार देख लीजिए। जब थोड़ा सेट हो जाएगा एंड मैं जब पॉट वगैरह धुल दूंगी तब अच्छा लगेगा। और ये जो मरांडा है उसको भी सेम पॉट में मैंने सेम कॉम्बिनेशन 40, 40 एंड 20 के कॉम्बिनेशन में मैंने लगाया है। और ये देखिए कैसा लग रहा है। अभी तो थोड़ा आपको गंदा गंदा सूखा सूखा दिखेगा क्योंकि मैंने वाटरिंग कल शाम को कुछ में किया था, कुछ आज सुबह सुबह किया, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गया तो इसलिए सूख भी गया। और ये जो एंथोरियम है इसमें मैंने आपका 30% मैंने इसमें सैंड दिया है, आपका कोकोनट हस्क जो दिया है, क्योंकि जो एंथोरियम होता है उसमें बहुत ज़्यादा पोरस एंड वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और इसका जो रूट्स है वो थोड़ा एक्सपोज होने से अच्छा होता है इसको ग्रोथ में। तो कोकोनट हस्क अगर आपके पास है तो आप लगाइए। जो ऑर्किड वाला मिक्स होता है वो भी एंथोरियम के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये पैची इधर आ रहा है क्योंकि मैं बैठ गई तो पैची को भी आना है ना गाड़ी से नीचे आके। तो ये देखिए, ये चारों कैलेडियम, फिर मेरा मरांडा और मेरे एंथोरियम, ये सेम साइज़ के पॉट में लग गए हैं। अभी आते हैं छोटे प्लांट के तरफ। ये जो जो पर्पल पैशन है जो मैंने लास्ट टाइम लिया था, इस बार नहीं, वो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पॉटिंग नहीं किया था। ये जो 6 इंच का मेरा एप्पल पॉट है इसमें मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है। जब पॉट्स वगैरह धो दूंगी तब और भी अच्छा लगेगा। और ये ये जो पॉलका डॉट है इसको मैंने इसमें सेम पॉट में 6 इंच में लगाया है। उससे ना लगाते हुए टूट गया था मेरा, एक निकल आया था एक्स्ट्रा प्लांट, मैंने सेपरेट नहीं किया, तो इसको मैंने एक 4 इंच के पॉट में लगा दिया है। और ये जो मेरा बार्ड प्लांटर है सेरामिक का, इसमें मैंने छोटा सा मेरा जो बबल प्लांट है इसको इसीलिए लगाया है क्योंकि आई जस्ट वांट इट टू स्प्रेड, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शेलो लेकिन थोड़ा बड़ा, कंपैरेटिवली बड़ा कंटेनर में लगाया है ताकि ये पूरा फैल जाए। आई होप वो होता है, देखते हैं, क्योंकि बबल प्लांट आइडर बहुत ईजी होता है, नहीं तो कभी कभी बचता नहीं है जब मैं नहीं रहती हूँ। फिर ये जो मेरा रेड पोलका डॉट है उसको भी सेम में लगाया है। फिर इस पॉट में ये 6 इंच का पॉट है, ये वाइट कलर का, इसमें पहले भी ये इंडियन आईवी था, जैस्मिन था, अभी भी इसी में मैंने लगाया है। तो ये पॉट का डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा धूप में रखूँगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा धूप मिलने से इसका जो वाइटिश वेरिएशन है वो अच्छा आ जाएगा। और फिर ये पाइलिया या एलुमिनियम प्लांट को भी मैंने सेम एप्पल पॉट में लगाया है। और फ्रेंड्स, जब पॉट अच्छा होता है ना प्लांट ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। और ये जो उस दिन मैं हेज लाई थी, इसको उस दिन मैंने जो पॉट में लगाया मैंने देखा है बहुत जल्दी जल्दी सूख रहा था। एक दिन सुबह आप पानी दिया तो शाम को सूख जाता है, तो इसको मैंने 2 इंच बड़ा पॉट में दे दिया है। पहले 6 इंच में था, अभी 8 इंच में दिया है। तो ये देखिए अभी ऐसे ही लग रहा है और मेरे कैट्स खेल रहे हैं। तो मैं कल परसों आपको ये प्लांट्स दिखाती रहूँगी और पॉट वगैरह साफ करने के बाद और भी अच्छा लगेगा, ग्लो आ जाएगा इन सब में। और ये मेरे अभी बच गए हैं 6 क्रोटन्स। ये 6 क्रोटन को मुझे ज़मीन पे देना है तो इसीलिए मैं कल परसों दे दूँगी। आज मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग को मंदिर जाना है आज, तो एक साइड कर दूँगा। क्रोटन थोड़ा धूप में भी रह सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अभी क्योंकि मुझे और ये जो है ना जो चाइनीज़ फ्लावर, इसको मैं क्या करूँगी, इसको ज़मीन पे दूँगी या मैं कैसे दूँगी अभी मैंने डिसाइड ही नहीं किया। और ये बहुत हार्डी होता है इसलिए मैंने इसको अभी पॉलीबैग में छोड़ दिया है। रेगुलर डेली एक बार पानी देती हूँ, अभी देखती हूँ इसको कैसे कहाँ पर दूँगी, हैंगिंग में भी दे सकती हूँ। तो चलिए इस कैलेडियम को मैं ले जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा धूप निकलने से पहले इन सबको मैं थोड़ा शेड में रखूँगी, मेरा जो ICU वाला एरिया है, क्योंकि मैं जब न्यू पॉटिंग करती हूँ 1-2 दिन इधर ही रखती हूँ। ये दो पहले वाला कैलेडियम भी देख पा रहे हैं आप, शूट निकल आया है। और हाँ, ये दिखा दूँ जो मेरा वेरिकेटेड फर्न है उसका थर्ड लीफ जो अभी आ रहा है, देख के मुझे बहुत खुशी मिली। तो अभी ऐसा व्यू आ रहा है
इस सबको मैंने रख दिया है, ये परमानेंट प्लेस पे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 दिन ही रहेगा। प्लांट सेट हो जाए उसके बाद मैं इन सबको अच्छा से धुल दूँगी, थोड़ा साफ कर दूँगी, एक वेट क्लॉथ से पोंछ दूँगी, तभी ये पॉट का ग्लो आ जाता है फ्रेंड्स। और एक बात है, मैं पहले क्या करती थी, जो नर्सरी वाला जो पतला जो प्लास्टिक आता था ना, प्लास्टिक का पॉट, उससे उसमें अगर रखती हूँ तो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत चिप क्वालिटी का होता है फिर। लेकिन उसका और एक डिसएडवांटेज है, अगर आप उससे निकाल के अच्छा पॉट में आपका प्लांट देते हैं और आप सोचते हैं, जैसे मैं पहले करती थी, ठीक है नर्सरी वाला प्लांट पॉट को क्यों फेंकना है, उसमें छोटा कोलियस वगैरह लगा देंगे। तो मैंने खुद भी ऐसा किया है, जैसे मेरे ये कैलेडियम आए थे ना 4 इंच के या 6 इंच के नर्सरी पॉट में, तो मैं अच्छे पॉट में कैलेडियम को शिफ्ट करके वो वाला पॉट में ऐसे कोलियस वगैरह का कटिंग लगा देती थी। लेकिन वो पॉट क्या होता है, 1 साल भी तो अच्छा से नहीं जाता है, लेकिन वो टूट टूट के आपका अगर ज़मीन पे या सॉइल पे मिक्स हो जाता है, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है वो, दैट चीप प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक सारा ही ख़राब है। मुझे ये प्लास्टिक भी यूज़ नहीं करना है, इफ़ पॉसिबल हम लोग को टेराकोटा या सेरामिक यूज़ करना ही बेटर होता है, प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है। बट अभी क्या करें, कभी कभी टेराकोटा मिलना इशू होता है, टेराकोटा हैवी हो जाता है, और इनडोर प्लांट्स थोड़ा प्लास्टिक में ईजी होता है। बट स्टिल अगर थोड़ा इफ़ वी कैन थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा अगर सोचते हैं, तो मैं सोचती हूँ एटलीस्ट एक स्टेप तो हो सकता है, ये जो क्वालिटी का ये जो प्लास्टिक है, आप नर्सरी सब जब एक प्लांट लाते हैं, जब आप अच्छे वाले गमले में जब रिपोर्ट करते हैं, सपोज़ ये क्रोटन आप लाए हैं, इसको आप अपने घर में टेराकोटा हो या अच्छा प्लास्टिक में रिपोर्ट किया, तो ये वाला रख के उसमें कुछ कटिंग वगैरह मत लगाइए, इस वाले को आप रिसाइकल के लिए डिस्पोज कर दीजिए, क्योंकि ये आपका गार्डन को एक ख़राब लुक भी देता है, बट ये उससे ख़राब है कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि ये जब गर्मी में रहता है विद इन 5-6 मंथ्स ये ख़राब हो जाता है, फिर टूटने लगता है, टूट के पापड़ जैसा हो जाता है, उसके बाद सॉइल में मिक्स हो जाता है, एंड ये सॉइल से कभी नहीं जाता है पूरा आपका। हम लोग को वी शुड बी लिटिल बिट एनवायरमेंटल कॉन्शियस, तो इसीलिए इफ पॉसिबल इट्स माय रिक्वेस्ट आप थोड़ा ये, आज हम लोग का इधर साल का पहला दिन है, सो ये मेरा रिजोल्यूशन है दैट आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट ए लिटिल टूवर्ड्स आवर एनवायरमेंट, इसीलिए ऐसा प्लास्टिक का, ऐसा चिप वाला प्लास्टिक इफ़ पॉसिबल आप भी यूज़ मत कीजिए। और मेरे कैट्स अभी धूप सेक रहे हैं, और ये देखिए इधर भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि बारंदा का ओवरव्यू दूँ, मेरे बारंदा में बहुत कुछ तो नहीं है, मैं फिर भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बारंदा में मैंने लास्ट बोला था कि मैं जब नहीं रहती हूँ बारंदा के प्लांट्स सबसे पहले ख़राब होते हैं, इसलिए बारंदा में बहुत कुछ मैंने रखा ही नहीं। क्या करूँ, जो सच बात है वही बोल देती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स वंस अगेन हैप्पी रंगाली बिहू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग।